एक राजा के चार रानियां थीं। राजा चौथे रानी से सबसे अधिक प्रेम करता था, बड़ा विशेष रूप से उसको समय देते, हर प्रकार से उसका श्रृंगार करते, हर प्रकार के वस्त्र आभूषण ला ला के भेंट स्वरूप देते। राजा का बड़ा प्रेम ये चौथे रानी के प्रति था, सबसे अधिक समय भी उसको देते थे। तीसरे रानी के प्रति राजा समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयोग करते थे। ये रानी बड़ी सुंदर थी, उसके सौंदर्य को दिखा दिखा कर राजा बड़ा गर्वान्वित होते। दूसरी रानी के पास राजा तब जाते जब वो बड़े दुखी होते, विषाद में होते और अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दूसरी रानी का प्रयोग करते, बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते थे। प्रथम रानी का राजा के प्रति सबसे अधिक प्रेम था, भाव था, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा का प्रथम रानी के प्रति कोई भाव नहीं था। निरंतर वो उनकी उपेक्षा कर देते। रानी बहुत समय तक बड़े प्रेम से प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन प्रथम रानी के लिए राजा के पास क्षण मात्र का समय नहीं था। वो दिन आया जब राजा मृत्युशैया पर थे। मरणासन्न अवस्था में बड़े उदास होकर उन्होंने अपने चारों रानियों को बुलाया। चौथे रानी को देखकर कहने लगे, हे रानी, मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया। हीरे, मोती, सोना, चांदी, हर प्रकार के वस्त्र अलंकार आभूषण से आपको सुसज्जित किया, इतना समय दिया, आपसे मेरी बड़ी आशाएं हैं, मृत्यु के बाद आप मेरे साथ चलोगे ना? रानी कहती है, जिस क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी मैं तुमको भंग करके चली जाऊंगी। राजा का हृदय पूरी तरह द्रवित हो उठा, परेशान हो गए। अरे, जीवन पर्यंत मैंने अपना सबसे अधिक समय, बहुमूल्य ऊर्जा चौथे रानी पे दिया और उसकी प्रतिक्रिया ये है। तीसरे रानी को देख कहने लगे, आप मेरे साथ चलोगी ना? और तीसरी रानी कहती है, नहीं राजन, मृत्यु के पश्चात मैं अन्य किसी राजा के साथ विवाह कर लूंगी। राजा फिर परेशान है, बड़ी आशाओं से दूसरी रानी को पूछे, हे रानी, आपके समक्ष तो मैं अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता था, आप तो मेरे साथ चलोगे ना? वो कहती है, दुर्भाग्यवश नहीं राजन, क्योंकि मेरी सीमा केवल शमशान तक है, उसके आगे मैं नहीं आ सकती आपके साथ। और फिर राजा ने सोचा भी नहीं कि प्रथम रानी से कुछ पूछें, क्योंकि जीवन भर उसने उनके साथ कोई संबंध बनाया ही नहीं था। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक रूप से प्रथम रानी ने कहा, राजन, मैं आपके साथ निरंतर चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी वास्तविक सेविका हूं। तो वास्तव में ये चार रानी कौन है? चौथी रानी हमारा शरीर है। शरीर पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, हर प्रकार से सुसज्जित करते हैं, लेकिन इतना सब समय देने पर भी, इतनी ऊर्जा देने पर भी मृत्यु के समय शरीर हमें त्याग देगा। तीसरी रानी हमारी संपत्ति है, जिसको एकत्र करने के पश्चात हम दूसरों के समक्ष समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये संपत्ति मृत्यु के पश्चात अन्य किसी के पास चली जाएगी। दूसरी रानी हमारे परिवार के सदस्य, स्वजन, हमारे सगे संबंधी इत्यादि, जिनके संग में रहकर हम अपने जीवन के सुख दुख बांटते हैं, लेकिन ये केवल मृत्यु के पश्चात शमशान भूमि तक हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन हम वास्तव में कौन हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और प्रथम रानी हमारे आध्यात्मिक दिव्य चेतना है, और इस आध्यात्मिक दिव्य चेतना को विकसित करने के लिए जीवन पर्यंत हम कुछ क्षण नहीं देते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर उसको हम पालेंगे, उसको पोसेंगे, उसका वर्धन करेंगे, तो ये केवल दिव्य चेतना ही है जो मृत्यु के बाद भी भविष्य के जीवन में हमारा साथ देगी। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसी दिव्य चेतना काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। आइए इस पर हम ध्यान दें।